हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू शक्कर ट्रेडर्स। अभी हम शाम को 9 बजने वाले हैं, 9 बज रहा है, तो इस टाइम पे हम आपको कल के लिए कौन से स्टॉक बेहतरीन हो सकता है उसका वीडियो दे रहा हूँ। तो देखिए, सुबह 8 बजे आपको सीईपीई के ऊपर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कौन सी सीईपी अच्छा होगा उसका नॉलेज देते हैं, क्लियर परफेक्ट काम करता है। दोपहर को नेक्स्ट डे निफ्टी वीडियो, यानी कि 4 बजे नेक्स्ट डे निफ्टी वीडियो का प्रेडिक्शन मिल जाता है। शाम को स्टॉक का प्रेडिक्शन मिल जाता है, नेक्स्ट डे हमारा कौन सी स्टॉक बाइंग करना चाहिए। 10 बजे आज का मार्केट कैसे रह सकता है, इसमें लाइव रहता हूँ, तो और क्या चाहिए दोस्तों। तो चैनल को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग जितनी सब्सक्राइब करेंगे, जितनी लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट्स जितने आता है, तो हमारा दिल में उतनी ही ज़्यादा काम करने का जोश बढ़ता है। तो चलिए, कुछ स्टॉक लाया हूँ जो कल आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो हमेशा हमें ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, हमें स्टॉक के ऊपर भी ट्रेड करना चाहिए, कि ऑप्शन ट्रेड तो हाई वोलेटाइल होता है, ऑप्शन ट्रेड में हमें कम लॉस कम प्रॉफिट होता है, बट प्रॉफिट अच्छा रहता है। चलिए गाइस, चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, और यहाँ पे आपको होल्डिंग स्टॉक भी बताऊंगा, इंट्राडे स्टॉक भी बताऊंगा। ओके, कल हमने बात किए थे, बट कल मैं हिंदी चैनल पे नहीं वीडियो भेजा था, मेरा बंगाली चैनल पे भेजा था। तो यहाँ पे 3M इंडिया के ऊपर बात किया था, जो 600 पॉइंट का मोमेंटम दिया है आज, और जेके लक्ष्मी का बात किए थे, बट वो बाइंग प्राइस अचीव नहीं हुआ है। हमें ये क्लियर करना है कि बाइंग प्राइस अचीव होना नहीं होना। हमारे चैनल पे हम क्रूड ऑयल का भी ट्रेड देते हैं, तो शाम को क्रूड ऑयल का ट्रेड दिए थे और नेचुरल गैस का भी ट्रेड दिए थे, है ना, टेलीग्राम चैनल पे। आई होप कि आप सब लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे। अब फटाफट देख लेते हैं कल के लिए कौन सी स्टॉक हमारे रेडर पे है। तो सबसे पहला है कमाट होटल। ओके, तो बहुत अच्छा मुझे टेक्निकल मिल रहा है, यहाँ पे टेक्निकल दिखने के लिए आ रहा है। तो देखिए, इस चैनल पे आप अगर ज्वाइन हुए हो तो प्लीज़ इसमें क्या है, आप ओरिजिनल चैनल पे ही रहिएगा, हमारे नाम पे फेक चैनल पे मत रहिएगा। ओके, जहाँ पे मेरा यूट्यूब वीडियो जाता है वही हमारा ओरिजिनल चैनल है, बाकी सारे फेक चैनल है। तो यहाँ पे कमाट होटल का जो चार्ट है, इस चार्ट पे मैं देख पा रहा हूँ कल फिर से ये 230 के ऊपर जाता है, तो इसे आप बाइंग करोगे। 238 से 240 का हमारा टारगेट रहेगा आने वाले एक दो दिन के अंदर, कल का दिन में भी आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस आपको ऐसी जगह पे होगा 220 का। ओके, नेक्स्ट होगा आपको ACL गति। ओके, तो इसका क्या सिनारीज है, तो देखो ऑन डे का चार्ट अगर मैं देखूंगा तो इसका सिनारीज है कि मुझे 98 के ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा, और लगभग 95 के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और 100 का पहला टारगेट रहेगा, 102 का सेकंड टारगेट रहेगा, यानी कि 2% और 4% का टारगेट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा सामने जो आता है सॉफ्टटेक। बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है मुझे, ये कल के दिन ही हमें रेडर पे ला के आज के लिए ट्रेडिंग में लाना चाहिए था। बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है 300 से लेकर 315 तक, और कल के दिन पे हम इसे ट्रेड करेंगे 320 के ऊपर, जो कि टारगेट का रहेगा हमारा 330 अबाउट, नियर अब 330। ओके, स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे हम मेंशन करेंगे 300 का। क्लियर, ये होल्डिंग पर्पस हम कर सकते हैं, इंटरडे का नहीं, ठीक है। और इंटरडे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरडे करोगे तो स्टॉप लॉस क्या होगा, देखो इंटरडे आप करोगे तो देखो एक ही कैंडल है सीधा भाग जाता है, ठीक है। तो आपको एम ऑर्डर लगा दो, बेशक अभी से एम ऑर्डर लगा दो। ओके, 320 के ऊपर, राइट। तो ऑन डे का चार्ट है, 320 के ऊपर ही बेस्ट होगा मुझे लग रहा है, ठीक है, एक सेफली रहोगे आप, राइट। और 10 पॉइंट आराम से देता है, मतलब 3% आराम से टारगेट आ जाता है। चलो, तो नेक्स्ट हमारा स्टॉक जो आ रहा है लक्स इंडिया। लक्स इंडिया के ऊपर बहुत अच्छा चार्ट हमें दिख रहा है कि 4 दिन से एक रेंज के अंदर है, मुझे लगता है ये रेंज जैसी ब्रेक होगा, यानी कि 1490 के ऊपर जाएगा, तो इसके अंदर फिर से एक फ्रेश मोमेंटम आ सकता है, हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए नियर अबाउट 1460 के आसपास। होल्डिंग पर्पस बात कर रहा हूँ, और इंटरडे पर्पस ये सब स्टॉक में इंटरडे नहीं करना चाहिए। वोल्टास एक स्टॉक आ रहा है जहाँ पे हम इंटरडे कर सकते हैं, वोल्टास एंड गेल, ये दो स्टॉक में हम इंटरडे कर सकते हैं। वोल्टास का बढ़िया ट्रेड तभी बनेगा जब 1500 के ऊपर ये कैंडल स्टेबल होगा, उस कैंडल का हाई के ऊपर हम इंटरडे कर सकते हैं। गाइज, ऑप्शन में मत कीजिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं, मैं स्टॉक दे रहा हूँ तो इसके ऊपर ऑप्शन उठा रहा है। ऑप्शन अगर आप उठा रहे हैं तो आपको खुद का नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लूंगा ये होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में कभी लॉस नहीं होता है, कभी लॉस नहीं होता है। अच्छा स्टॉक में आप रहोगे तो आज नहीं तो कल आपको प्राइस आ ही जाएगा, लेकिन ऑप्शन का प्राइस नहीं आएगा। ओके, चलो, तो वोल्टास का रिजल्ट मिल गया, आपको कहाँ पे किस सिचुएशन पे बाय करोगे। गेल लास्ट स्टॉक आता है, गेल देखो शानदार चार्ट है, शानदार चार्ट है, कल सुबह सुबह ही भाग सकता है, हम 220 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, 221 के ऊपर। बट देखो 15 मिनट का चार्ट में ना एक बड़ी मोमेंटम दिया है लास्ट टाइम पे,
तो हो सकता है कि सुबह थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर सुबह थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। प्रॉफिट बुकिंग आके जब बाउंस बैक होगा तो मुझे बाइंग के लिए सही एंट्री पॉइंट रहेगा। क्लियर सर? थोड़ा बहुत टेक्निकल समझाते हुए वीडियो को बना रहा हूँ। आई होप कि सबको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपना कम्युनिटी में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगा हर रोज 9 बजे रात को स्टॉक के ऊपर वीडियो डालने का। कितने लोगों को ये चीज़ अच्छा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब लाइक करके पूरा वीडियो देखेंगे तो ही मेरा हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।